कमाई किसने आता हुआ जाकर 0-0 हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब लोग, उम्मीद करो सब अच्छे से होंगे। तो भाई हम अभी 7 बजे जा रहे हैं मंडी में, देखते हैं क्या पोजीशन है, कहाँ की क्या रेट है क्या नहीं। तो चलते हैं भाई सीधा मंडी में। गाड़ी अंदर उधर पास में लगाने की जगह नहीं थी और सीधा आना पड़े हमको इधर ही, क्या कर सकते भाई। मौसम चेक करो, भाई मार्केट की भी ऐसी तैसी लगी पड़ी है, हर जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ, पूरा पता किया मैंने लेकिन कोई समझ नहीं चल रही है कि क्या हो रहा है। क्योंकि खाली गाड़ी जो है ना, बाहर की गाड़ी, राजस्थानी गाड़ी खाली आ रही है भाई, खाली। हम एक ही बात बोलते हैं मेरे भाई, आओ हम आपको मना नहीं करते, लेकिन खाली माता हो यार। उसी हिसाब से इधर है नहीं, इतना माल नहीं है अभी, तो क्या कर सकते हैं। अभी चलते हैं फिर से मंडी में, देखते हैं भाई क्या प्रोग्राम है, क्या पोजीशन है। ये देखो भाई मंडी की सिचुएशन क्या है, और ये है हमारे उस्ताद जी जो कि हंसते रहते हैं 24 घंटे। और अभी हम जा रहे हैं भाई, गाड़ी लगने की कोई अभी कुछ नहीं है, अभी चलते हैं देखते हैं क्या सीन है। भाई कितने दिन हो गए आपको इधर? 2 डेज। चलो आधी होगी ना, आधी कहाँ हुई, क्यों अभी तो एक तालाब उतार कर बैठे हैं। ओ कोई नहीं, गड्ढे महंगे हो गए, गड्ढे महंगे हो गए। हाँ। क्या कराएगा, चलो कोई नहीं, हो जाएगी, हो तो जाएगी, अब देखो हो जाएगी, हो जाएगी। चलो भाई चलते हैं ट्रांसपोर्ट में, अभी क्या सिचुएशन है। उसने बोला था कि 1-1.5 घंटे के बाद आना, तो अभी चलते हैं भाई। अरे कोई इशू नहीं है, अरे कोई कुधर जाना पड़ रहा है, तो भाई मंडी के बाहर ना मतलब जगह भी नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, तो क्या करें भाई, हालत ही कुछ ऐसी चल रही है। तो चलो कोई बात नहीं, जाते हैं अभी गाड़ी में। अभी बोल रहा कि अभी टाइम लगेगा, अभी कोई डिमांड नहीं है, जब भी आती है तो मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई सुबह आज गाड़ी लगी थी तो उसने दूसरी गाड़ी ने किसी ने लगा कर तो रेट जो है डाउन कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है, हर साइड में कर रहे हैं भाई कन्फर्म, कब तक होगा कब तक नहीं पता चल जाएगा। नहीं तो भाई मंडी के बाहर लगाते थे गाड़ी, लेकिन उधर से ले कर तक इधर इस रोड पर रगड़े नहीं देते, जो उधर जगह है तो वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत हैं, बाकी कुछ बची तो कुछ इधर, तो कुछ वो सामने लगा दी हैं सामने वाले एरिए में। इतनी गाड़ी इतनी है। तो भाई ये देखो इलेक्शन ड्यूटी वाली गाड़ियाँ, वो भी इधर ही अंतर्राष्ट्रीय का यार्ड है, उधर लग रही है वो देखो। और हमारा अभी बन रहा है खाना, तो भाई क्या कर सकते हैं, खाना शाना बना के तो बैठेंगे खा पी के, फिर जाते हैं फिर से ट्रांसपोर्ट में, क्या है क्या नहीं वो भी देखा जाएगा। भाई हमारे पीछे से जो गाड़ियां आई थी वो चली गई हैं, यहाँ तक कि सेठी भाई भी वो भी चला गया, अनुज भी चला गया, लेकिन हमारी गाड़ी लोड नहीं हो रही भाई, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो है ना, फ्लाइट ज़्यादा बड़ी है, उसकी वजह से क्या है भाई हमारे, उनका इतना है कि चलो कानपुर भी जाएंगे दिल्ली भी चले जाएंगे, टेंशन नहीं है। हमारे जहाज को इतना कौन देगा पेटी भाई, कम से कम 1600 पेटी तो हमको चाहिए, 1500 से प्लस ही चाहिए, 1500 से नीचे नहीं भाई, ठीक है। तो नॉर्मल मान के चलो 1500 तो है ही है मैक्सिमम, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, सोच सोच के जब ये चीज़ देखता हूँ ना भाई, तो बड़ी मन में यार बहुत कुछ होता है भाई, क्या कर सकते हैं। चलो किस्मत है, किस्मत किस्मत की बात है, जो हमारी किस्मत में वो हमारी में, जो उनकी किस्मत में वो उनकी है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं भाई, हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो ही जाएगा अगर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से। शुपियार में भी फ़ोन किया है, उधर भी अपनी गाड़ी खड़ी है, श्रीनगर में मैं खुद खड़ा हूँ, सोपर में भी गाड़ी खड़ी है, पुलवामा साइड वो सारा मतलब एरिया पूरा जो है ये एक ही जैसा है, मतलब कहीं से भी हो सकता है जुगाड़। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मंडी के अंदर आए थे और मंडी में देखो गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, और देखते हैं क्या प्रोसीजर है।
बैठा देगा नहीं। ये भाई साहब चट्टी बनियान बेच रहे हैं, चट्टी और बनियान। तो भाई कोई सिचुएशन नहीं है हमारी गाड़ी लोड होने की, तो चलते हैं भाई, आज शाम को निकल जाएंगे हम सीधा सोमर, फिर देखेंगे कि आगे का प्रोग्राम क्या, उधर जाके पता चलेगा। और इसको भी लेके दे दी सिम हमने, क्योंकि सिम के लिए बहुत परेशान था बंदा, आप इसको सिम वगैरह लेके दे दी। अगर इस अब कोई गलती अगर करेगा ना, तो फिर इसको देखो इसकी मार पटाई जो है ना, पटाई मैंने अच्छी तरह से इसकी जो है ना कमर तोड़ूंगा अच्छे से, या टांग तोड़ दूंगा कोई, या कमर तोड़ दूंगा। तो देखते हैं भाई आगे का प्रोग्राम हमारा क्या बनता है, तो लगा के आते हैं साथ में, देख सुन के आते क्या पोजीशन अभी चल रही है क्या नहीं। भाई यही है, यहाँ से गाड़ी तक आना, गाड़ी से वापस, ये देखो भाई गाड़ी तक आना, गाड़ी से वापस जाना, और कुछ नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। भाई रात को ही गाड़ी अपनी पक्की होगी, और अभी हम जा रहे हैं सीधा पटन। तो अभी अभी भाई कॉल आई मेरे को ट्रांसपोर्टर की, तो बोलने लगा भाई तुम आ जाओ, तो चलते हैं भाई अभी जाके पटन से ही लोड करना। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ गाड़ी लग गई, सबसे बेटर तो यही है कि गाड़ी लग गई तो लाख हुआ है। तो देखते हैं भाई अभी क्या होता है, सुबह कल की डेट में लोड होती है, बोला होगा भी एक ही जगह से लोड, आप देखते हैं क्या एक जगह से होता है, या चलो जो भी है। तो गाड़ी लग गई भाई बहुत बहुत ही मुश्किल के साथ। भाई अभी हम निकल चुके हैं जाके पटन जाके लोडिंग करनी है, तो हमने सोचा चलो रात को ही निकल जाते हैं, क्योंकि सुबह ना दिन को पुलिस वाले होते हैं। तो व्यापारी के साथ ही बात हुई, तो उसने भी बोला कि भाई रात को ही आ जाओ आप, कोई मसला नहीं है। और ये बैठे हैं अपने दोस्त हैं, ये भी अपने रजौरी में ही रहते हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ये इधर की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गाड़ी का नंबर है ना, गाड़ी का नंबर देखोगे तो बहुत दूर का लगेगा आपको, क्योंकि गोवा नंबर गाड़ी चलाते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, काम ही करना है, कहीं का भी गाड़ी चलाओ लेकिन काम ही करना है, क्या कर सकते हैं। चलो आ गए भाई वापस मंडी के सामने ही, और भाई को उतार दिया। ठीक है भाई जी, खुदा हाफिज। हम चलते हैं भाई। मंडी को कर दिया बाय बाय। खुदा का ये है कि हमारी गाड़ी लगी, तो बस बाकी टेंशन, हम आधी टेंशन हमारी यही ख़त्म होगी। आई कम से कम कोई आधा केजी खून अभी बढ़ गया है, अभी सुबह तक कितना बढ़ेगा, जब लोड हो जाएगी फिर क्या होगा, कितनी खुशी होगी। गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग।
भाई साहब हम राहतपुर रुके थे आके, तो अभी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है। फोन भी आ रहा व्यापारी। तो भाई हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई और हमको ना तिरपाला फिर से डालना पड़ेगा, क्योंकि बारिश जो है ना कार्टून वाला माल आएगा तो बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो काम ख़राब हो जाएगा। हाइट जो है पहले बराबर बराबर डाल लेंगे, बाद में हाइट ऊपर कर देंगे, तिरपाला तब तक हटा देंगे। बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ही लगा बस। हाँ हाँ तो भाई बारिश का मौसम था, ऊपर हमने तिरपाल थोड़ी डाल दी हल्की फुल्की। तो भाई अभी आ गई गाड़ी छोटी हमारी लेके माल। और ये रहे सेब के बाग भी, और अभी तक देखो मैं सेब जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो और अपनी लोडिंग हो चुकी है चालू। तो भाई ये बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश पड़ी तो हमने तिरपाल डाल दी उसी टाइम ही। बारिश भी अभी रुक गई है, अभी मौसम तो हो गया थोड़ा, बादल पूरे छाए हुए हैं देख सकते हो आप। एक ऑटो वो वाला खाली हो गया और एक वो खड़ा, एक ट्रैक्टर लगा, अभी इतना ही माल डल रहा है। अभी तिरपाला हमने ऊपर से डाला हुआ और मौसम भी थोड़ा साफ हो रहा है। मौसम साफ होना चाहिए भाई, गाड़ी लोड करने के टाइम में मौसम नहीं खराब होने। हल्की हल्की बारिश हुई, फर्श भी गीला कर दिया, फिर नीचे एक तिरपाला डालना पड़ा। क्या कर सकते हैं भाई, तिरपाला तो बैठे डालना ही पड़ेगा, नहीं तो फर्श पूरा नीचे गत्ते वाला लकड़ी वाला पेटी रहता तो उसमें टेंशन नहीं होती, गत्ते वाला पेटी रहेगा तो फिर वो गल जाता है। वहाँ से लगभग 400 पेटी डाल दी, अब जाना है दूसरी जगह और दूसरी जगह जाते देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं कहाँ पे नहीं। और यहाँ पे हो गया क्लियर पूरा। वो ऑटो जो जा रहा है वो वाला लास्ट वाली अपनी गाड़ी लगाना है। उसको पूछना पीछे घूम के जाना कितना दूर जाना, पूछना जरा उनको। अभी जा रहे हैं हम दूसरी जगह पे, निकल पड़े और यहाँ से बोला कि 3 किलोमीटर है सीधा ही। वो अब बंदे पीछे बैठे हैं सारे ही, क्योंकि पीछे माल लोड है ज़्यादा। तो 450 हो गया, 450 हो गया। अभी रात को हम यहाँ पे रुके थे एक कैंटर गाड़ी के पास। पहले बोल रहे थे अंदर सीधा जाना, आप बोलते हैं यहाँ से अंदर जाना है गांव में। अभी पहुंच गए भाई यहाँ पे गांव में। तो यहाँ पे देखो ये छोटी थोड़ी पेटी है, इसमें एक ये आ गई, फिर आगे जाना पड़ेगा, आगे भी जाके लोडिंग यहाँ से पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। ये पास में रही मस्जिद। तो भाई अब जाके तिरपाल हमने हटा ली और हाइट करना शुरू हो गए, और नीचे भी तिरपाला डाला क्योंकि बारिश फर्श गीला हो गया था पूरा। मौसम भी भाई बारिश वाला पूरा बना। तो भाई अभी अभी हम नमाज पढ़ के भी आगे वाला जुमा था, और पेटी भाई इतनी हाइट लग रही है टोटल, और 3 चपट है, तीसरी चपट तो बीच में ही चली गई है। ये देखो, और मौसम भी थोड़ा साफ हो रहा है, देखते हैं क्या हो जाएगा। आज होती है जब लोड नहीं। और सलीम बना रहा है खाना और पुलाव बना रहा है भाई पुलाव।
लोडिंग भी होगी हो रही है और मौसम भी साफ हो रहा है भाई, ये सबसे बड़ी बात है। मौसम भी हो गया पूरा क्लियर। तो भाई थोड़ी रह गई गाड़ी, समझो एक बत्ता वो दांके हो गई हैं अपनी, दो चार दस बारह चौदह पंद्रह दांक हो गई। तो भाई गाड़ी भी रह गई थोड़ी, कंप्लीट होने वाली है बस। अच्छा घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो भाई अभी तरपाल हमने डाल दी, दोनों कुंडियों तक तरपालें डाल दी, और क्योंकि आगे भाई आगे हमारी गाड़ियां गई हुई हैं, चाचू गया हुआ है तो वो बोल रहे थे कि भाई तरपाल अच्छे से डाल के आना, पीछे से भी यहाँ तक तरपाल अपने पहुँचा दिए डाले के नीचे तक, तो आराम से हो जाएगा दोनों तरफ से। अब खाली रस्सा डालना रह गया, रस्सा वगैरह डाल के ओके करके गाड़ी। तो चलो भाई मुंह से देखो धुआं कैसे निकल रहा है, ये देखो ये सारा धुआं मुंह से निकल रहा है भाई, पूरे ठंडे हो चुके हैं भाई अंदर से, मतलब ऐसे उतना ठंडे नहीं, मतलब कि जैसे आम जैसे सर्दियों में होता ना वैसा सीन हो रहा है। ये देखो चढ़ गया ऊपर, पकड़ ले भाई रस्सा, पहले उस तरफ से देना, ठीक है पहले उसी तरफ से देना फिर उस दूसरी तरफ आएंगे। तो चलो भाई पहले रस्सा डाल रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, तो पहले डाल लेते हैं एक साइड, तो इस साइड तो एक बल्ब लगा हुआ, तो इस साइड कुछ नहीं है भाई, इस साइड आप देख सकते हो इस साइड अंधेरा पूरा, खाली इंडिकेटर जगाए हुए हैं, तो पौड़ी मैंने रख ली साथ में। तो चलो भाई डालते हैं अपने तिरपाल। तो भाई अभी बच चुके हैं 10:45, तो अपना हो गया रस्सा तिरपाल ओके डाल गया भाई, आप चेक कर सकते हो। तो अभी हाथ पैर धोते हैं और खुदा का नाम लेते हैं, दोनों तरफ से दिखा देता हूँ, लेकिन रात को दिखेगा नहीं, लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये देखो। तो भाई अभी हम लोगों ने खुदा का नाम ले लिया और निकल पड़े हैं गुवाहाटी के लिए। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, पहुंचने वाले लगभग रह गया कोई 10 किलोमीटर होगा। तो भाई गाने चल रहे थे हल्के हल्के, तो चल ही रहे थे, अपना सफ़र जो है कंटिन्यू रखा है और आप चलते ही जाएंगे भाई, रात का टाइम है।
और सलीम ने भी कर ली बारी बंद, बंद करके तो बैठा है। तो भाई अभी हम चल रहे हैं पांपर बाईपास पे पहुंच गए हैं, और अजय आज फिर से हमारे साथ आ चुका है भाई, क्योंकि इसको गाड़ी पसंद नहीं आई, वो अभी जा रहा है दूसरी गाड़ी पे, तो इधर से बोलता चलो भाई मेरे को साथ में ले चलो। मैं अच्छा ठीक है आजा कोई मसला नहीं है, सेब दिए इसको खाने के लिए, सेब ही नहीं खा पा रहा है, टेंशन में आदमी। तो भाई अभी नाचलाना के पास लग चुका जाम, और मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, ये देखो भाई पूरा जाम, पूरा रास्ता बंद, लंबा जाम लगा है, पीछे भी आपने देख सकते हो आप पूरा का पूरा जाम है। गुड मॉर्निंग भाई साहब, रात को आपको पता जाम लग गया था और अभी बज चुके हैं 6, तो अब धीरे धीरे गाड़ियां चलना शुरू हो गई हैं, तो हमने भी गाड़ी निकाल ली भाई, है तो किसी चीज का जाम नहीं है, कोई समझ नहीं चलती कि इतना जाम लगता क्यों ऐसे ही है। मौसम फिर से बारिश वाला ही सुबह सुबह बन चुका है भाई, नीचे से भी गाड़ी आ रही है, और ट्रैफिक वाले भाई को पूछा तो वो बोलने लगा भाई कि जाम किसी चीज़ का नहीं है, बस खाली ओवरटेकिंग का जाम है, और आगे जो बकरियां वो जा रही हैं तो उनकी वजह से ज़्यादा जाम है। देखो भाई गाड़ी नीचे गई हुई है यहाँ से भी, वो भी राजस्थान की गाड़ी है, राजस्थान की। जाम चेक करो, जाम कितना तगड़ा लगा हुआ, पूरे का पूरा जाम, रामसू पहुंच गए लेकिन अभी भी जाम पूरा खतरनाक। रामसू से लेके समझो तो शेर बीबी वगैरह सारा जाम, और अभी रामसू पार किया तो जाम जाके खत्म हुआ भाई, मगरकोट पहुंचे हम, मगरकोट तक बराबर जाम है, अब जाके जाम खत्म हुआ। अब देखो छोटी गाड़ी शुरू होगी ओवरटेक करना, तो आप भाई ये भी तंग हो गए हैं बेचारे, हम पहुंच चुके हैं रामबन में, और अभी हम यहाँ पे मुंह हाथ धोएंगे ब्रश वगैरह करके। तो ये देख सकते हो भाई नीचे चनाब, आगे जाके दिखाता हूँ भाई, और ये रही अपनी मोटर, चल आ जा आ
प्रेशर डोलिया भाई, आके मिट्टी पूरी निकल गई। और अभी चाय पी के तो निकलते हैं सीधा ही। भाई अभी हम चल रहे हैं चंद्रकोट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और चाय वगैरह हो गई अपनी, और भाई चलते जाएंगे। सिर भी धो लिया, सब कुछ फिट हो गया, ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया। भाई आगे चल रही है रैली और हम पहुंचेंगे उधमपुर, और भी टाइम बजे पूरे 12:03। तो भाई अभी इधर गाड़ियां रोक दी हैं, तो भाई अब क्या कर सकते हैं। 5 बजे बोला कि रैली आज लास्ट दिन है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में चला इलेक्शन, तो अब लास्ट दिन आज रैलियों का, तो आज इधर मतलब लास्ट डे है, तो रोक दिए पूरा, रोड ब्लॉक कर दिया भाई दोनों साइड से। पीछे भी बहुत जाम लगा हुआ था, और अभी बोला 5 बजे यहाँ से छोड़ेंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक है जी, क्या कर सकते हैं आप। तो चलो भाई ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। तो भाई ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।